नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल माई इजी रेसिपी पर। तो आज है ब्लॉग नंबर 6 और आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ी। तो ये रहे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें यूज़ किया था और मैंने इन्हें डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर लेट्स कुक टुगेदर। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरे में बेसन लिया, उसमें हल्का सा मीठा सोडा डाला और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे फेटेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसे फेटना है, टाइम लगेगा। ठीक है, फेटते रहो फेटते रहो फेटते रहो, थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी और लहसुन मिर्चा का पेस्ट। फिर इसे भी मिक्स वेल कर लेंगे और थोड़ा और फेटेंगे। फेटने के बाद हम इसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट पर रखेंगे। ठीक है, तो अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और इन्हें छोटी छोटी लोइयों की तरह कढ़ाई में डालेंगे और तलेंगे। तो इससे हमारा पकौड़ा बन जाएगा कड़ी का, आप लोग देख सकते हैं। अब ये थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं, अब हम इसे थोड़ा उलट पलट कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों तरफ से पक जाए। तो यहाँ पर हमारे पकौड़े रेडी हैं, तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। इसके बाद हम लोग कड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। तो चलो भैया, हमारे पकौड़े तो रेडी है, अब हम फटाफट कढ़ाई रखते हैं, तेल डालेंगे और ये रहे हींग, सूखी मिर्च, जीरा और मेथी, इसका तड़का लगाएंगे और इसे लो फ्लेम पर रखेंगे। ये थे पकौड़े के बैटर जो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन मिर्चा का पेस्ट, नमक और हल्दी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसमें फिर से हम दोबारा डालेंगे और इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये थोड़ा पतला ही चाहिए, ठीक है, तो इसे चलाते रहेंगे, ठीक है, और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो ये हमारी कढ़ी में उबाल आ गई है, तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो ये लिया था मैंने दही, इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया था और फिर इसमें कढ़ी में डाल दिया था और फिर चलाएंगे, इसे चलाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें अपनी पकौड़ियाँ डाल देंगे तले हुए और फिर चलाएँगे, क्योंकि इतनी आसानी से कढ़ी नसीब नहीं है भाई, बहुत हाथ चलाना पड़ता है। तो चलाते रहिए। पकौड़े डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक ही हम इसे चलाएंगे। तो इतनी तपस्या के बाद हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कढ़ी की रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और धन्यवाद आप सभी लोगों का ब्लॉग में पूरा अंत तक बने रहने के लिए। होप सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।